एनआईओ से डीएलएड कैंडिडेट है, सत्र 2017-19 में, मतलब साल था 2017-19 का, भारत सरकार एक हम सब लोगों को एक कोर्स लाती है जिसका नाम, कोर्स का नाम है एनआईओ से डीएलएड। इस कोर्स को लाने से पहले यह कोर्स हमारे राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों से पारित किया गया, यह कोर्स है। इसकी देख सकते हैं आप, ये उस समय हमारे बिहार से मिनिस्टर थे उपेंद्र कुशवाहा, माननीय उपेंद्र कुशवाहा राज्य मंत्री थे उस समय, और उन्होंने ये उसके प्रकाश जावेदकर उसमें MHRD मिनिस्टर थे, अब वो शिक्षा विभाग बन गया है। और इन सब लोगों ने एक एक्ट लाया कि कोई भी विद्यालय में, ऐसा एक्ट था कि कोई भी विद्यालय में 31 मार्च 2019 के बाद प्राइवेट या सरकारी दोनों में से कहीं भी अनट्रेन टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। हम सब लोग जितने भी लोग हैं, हम सभी लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे थे, सबके सब लोगों ने इस कोर्स को किया। इस कोर्स को करने के बाद 2019 में हम कोर्स किए, उसके बाद हम सब CTET, अलग अलग स्टेट अपना टेट लेती है, वो टेट सब लोग, हम सब लोग ने पास किया। और उस कोर्स को, इस डिग्री को के बाद हम उस कोर्स को जब पास कर गए, 7 साल हम लोग अथक परिश्रम किए हैं, कड़ी मेहनत के बाद हम सब लोग ने बिहार में BPSC एग्जाम लेती है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जिसको BPSC Tier 1 बोल रहे हैं अभी, 1-2 बहुत सारे हमारी बिहार में वैकेंसी भी आ रही है, हम सब लोग ने उस वहां भी दिया। बहुत सारे हमारे साथी है जो KBS दिए, NBS दिए, अलग तमाम अलग अलग तरह का एग्जाम दिए हैं। अब हमारी ऐसी नौबत आई है कि 7 साल बाद जब यह कोर्स कराया गया, इस कोर्स का नोटिफिकेशन निकला था, हम वो भी दिखाना चाह रहे हैं सर, यही नोटिफिकेशन निकला था मोदी जी का, बजाते ये फोटो है, बहुत बड़ा फोटो के साथ ये हमारे विज्ञापन आई, इस कोर्स, इस पर लिखा हुआ है कि यह कोर्स 2 साल का है, और इस कोर्स को करने के बाद पूरे भारत में हम शिक्षक बन सकते हैं। और इस कोर्स को हम सब लोगों ने सफलतापूर्वक किया, टेट पास किया, उसके इंटरव्यू हम सब लोगों ने दी है। जब हमारी बारी ज्वाइनिंग लेटर लेने की आई, तब पता चल रहा है 7 साल बाद कि हमारी डिग्री ही इनवैलिड है, वह हमारी डिग्री ऐसी नहीं है कि हम सरकारी टीचर बन सकते हैं। अब बताइए, हम सब लोग, बहुत सारे साथी हैं हमारे जिनका एज खत्म है, ओवर एज होते जा रहे हैं, अब हम लोग कैसे दूसरा डिग्री करें 7 साल बाद, जब हमारी रोजी रोजगार, हम बेरोजगार हैं सब लोग, जब हम नौकरी करते, हमारी अभी पेट पे लात मार करके ये गवर्नमेंट हमारी कहीं से कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम अपने बिहार में, ये दिल्ली में, अलग अलग स्टेट से, ये हमारे भाई मणिपुर से आए हैं, कोई हमारे ये नागालैंड से आए हैं, ये UP से आए हैं, अलग अलग स्टेट से, छत्तीसगढ़ से लोग आए हैं, अलग अलग स्टेट से हम सब लोग आए हैं, हर एक जगह माननीय शिक्षा मंत्री के पास मिलने जा रहे हैं, अलग तमाम अलग अलग लीडर के पास मिलने जा रहे हैं। हमारी डिग्री अब रद्दी कागज का टुकड़ा बन गया है, हम कोई सुध नहीं ले रहा है, कोई लोग हमारी बात नहीं सुन रहा है। हम सब लोग से अपील कर रहे हैं कि हमारी आवाज को उठाया जाए, और हमारी जो हमारी NIOS के DLED है, यह गवर्नमेंट जब कराई है, गवर्नमेंट जब लाई थी इस एक्ट को, मतलब एक्ट के थ्रू हमारी गवर्नमेंट डिग्री लाई है, तो हमारी डिग्री को वैलिड किया जाए। और हम सब लोग ने 2 साल का कोर्स किया, हमारी डिग्री भी 2 साल की लिखा हुआ है, जब हमारी जो डिग्री मिली है उस डिग्री पर भी 2 साल लिखा हुआ है। बजाते देखिए यहाँ पे सर, देख सकते हैं 2017-19 हमारी डिग्री पे कहीं भी 18 मंथ का जिक्र नहीं है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करके ये कह रही है कि हमारी डिग्री 18 मंथ की है, हम गवर्नमेंट टीचर नहीं बन रहे हैं, अब हम क्या करें, किसके पास जाए, कोई सुनने को तैयार नहीं है सर। और इस बेरोजगारी चरम सीमा में बेरोजगारी है, हम सब लोग बेरोजगार है, कुछ करने के लायक नहीं है, हम अब कहाँ जाए, क्या करें सर, परेशान है, हम सब लोग परेशान है। ये सरकार ने कराया? हाँ सर, सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कराया, यहाँ डिटेल है सर, NIOS DLED के थ्रू। बताइए कौन से विद्यालयों से ट्रेनिंग हुई की सरकार, केंद्र सरकार की, पूरा डिटेल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसको NIOS हम लोग कहते हैं, भारत सरकार का संस्था है सर, भारत सरकार की जब संस्था हमारी कोर्स कराई, भारत सरकार के संस्था में हम लोग डिग्री किए, अब हमारी डिग्री इनवैलिड है। हमारे ये गवर्नमेंट लोकसभा राज्यसभा से बिल पारित करके लाती है, मोदी जी का बड़ा सा विज्ञापन आता है, अब उस पे नहीं भरोसा करें, किस पे हम लोग भरोसा करें, किसके पास जाए, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कहाँ जाए, क्या करें। अब हम लोग 7 साल के बाद, जब हम नौकरी लेने के बाद आए हैं, हम नौकरी लेते, हम अपने, हमारा भी सपना है, हमारे माँ बाप भी देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जब नौकरी लेके आएंगे, हमें सब पूरा गाँव के लोग निकम्मा घोषित कर रहे हैं, कहाँ जाए, हम क्या करें। हम लोग कोर्ट में सर, हम लोग अपील कर रहे हैं, कोर्ट हमारी डायरेक्ट सुन नहीं रही है, कोर्ट की लंबा प्रोसीजर होती है, वो बोल रही है हाई कोर्ट से आओ, जबकि हमारे पास 7-6 हाई कोर्ट का डिसीजन हमारे फेवर में है, किसके पास जाए हम।